हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ब्लॉग बारिश आ रही है, बढ़िया हल्की हल्की आ रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही। तो भाई आज है शनिवार, सुबह के बज रहे हैं 7:58। आज मैं निकलने में लेट हो गया ड्यूटी से, क्योंकि मेरा एक पेशेंट था, बहुत ज़्यादा सीरियस था वो पेशेंट, रात में आया था। बाकी तीन पेशेंट थे मेरे पास, दो तो नॉर्मल थे, मतलब सेल्फ केयरिंग, कोई काम नहीं था। बट एक भाई ऐसा मिल गया ना, लंका लगा दी। बट बहुत अच्छा रहा, कहते हैं कॉम्पिटेंसी रिन्यू होती रहती है ना, हम लोग जब चीज़ें करते हैं, हम लोग काम करते हैं तो सारी चीज़ें दोबारा से आंखों के आगे आती हैं। तो वही चीज़ जो स्किल्स हैं तो उसको थोड़ा पॉलिश कर दिया गया है रात में, है ना, कितने सारे इन्फ्यूजन्स वगैरह बनाए, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो हाँ भाई, अभी आज सैटरडे है, आज मेरी छुट्टी है, कल की मेरी छुट्टी है। मैंने सोचा था आज अच्छा मौसम होगा, कल बहुत लॉन्गेस्ट डे है ना, तो काफ़ी रात तक मतलब धूप थी यहाँ पर, मतलब 12 बज गए थे, धूप मतलब रोशनी थी, ये कहानी है। तो आज छुट्टी है तो आज बारिश आ रही है, मैंने सोचा कहीं जाएंगे घूमने, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, मैं और कैमरामैन। बट नो, ऐसा लग नहीं रहा हूँ कि जा पाएंगे कहीं पे। बट कोई दिक्कत नहीं है, मौसम ख़राब है। मैंने बसंती बहुत ज़्यादा दूर खड़ी करी थी, मतलब मेरे एग्ज़िट गेट के पास, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, पार्किंग इसकी ये देखो, ये मैसिव पार्किंग है, इस साइड जंगल और जंगल के उस साइड भी पार्किंग है, पूरी दिखाता हूँ रुको आप लोगों को, है ना। तो भाई बसंती अपन ने दूर खड़ी कर रखी है काफ़ी, जो पीछे वाला गेट हॉस्पिटल का वो उस साइड में दिखाता हूँ, देखो। तो अपन पहुँच गए हैं इस साइड, तो ये इस साइड वाली जो पार्किंग है, एकदम लास्ट में खड़ी करी थी मैंने गाड़ी अपनी। आवाज़ मेरी कम आ रही होगी क्योंकि ड्यूटी ऐसी थी, आवाज़ कम हो गई मेरी अपने आप। शॉर्टकट मारते हैं थोड़ा, रोड नहीं जाएंगे। दिख गई होगी वो खड़ी, यहाँ पे खड़ी करती थी अपन ने गाड़ी अपनी। दिख रही होगी बारिश, फाइनली राहत की सांस ली जा रही है ड्यूटी ख़त्म करने के बाद। घर पहुंचते हैं, देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनेगा, दोनों की छुट्टी है भाई। उसके बाद अपन आज जिम नहीं जा रहा, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ जिम की आज और कल। अब मैंने ये सोचा कि थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लिया जाए, है ना, रिकवरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वो वाली बात है ना। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, घर पहुँचते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर सोना भी है। मैं घर आ गया था, अभी घर आते ही बोल रहे कि कचरे वाली पन्नी है, इसको फेंक के आओ, फेंक देते हैं, ये भी कर देते हैं भाई, हो जाऊँ जस्ट अभी घर, बगल में ही है, ठीक है। नेक्स्ट डे, तो भैया आज अगला दिन है और अपन अभी यहाँ से जा रहे हैं थोड़ी देर बाहर, है ना, सोचा एक कॉफ़ी पी के आते हैं ना। तो उस आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इंडिया से क्या लेके आया था मेरी कार के लिए, देखो है ना, खाटू श्याम बाबा हमारे लेके आए थे अपने, आज गाड़ी में लगाएंगे इनको। और मैं एक चीज़ और लेके आया, मैं कल बाहर गया था वैसे, आप लोगों को दिखाया नहीं मैंने ना, बट मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड रुको, ये देखो, ये मैंने और कैमरामैन ने बनवाई थी जब हम लोग कहाँ गए थे, स्कॉटलैंड घूमने के लिए गए थे, तब की ये वाली फ़ोटो आपको दिख रही है, साफ दिख रही है, देखो दिखाता हूँ, ये देखो अच्छी लग रही है, मेरे जैसा लग भी रहा नहीं बंदा, तो मैं पतला था तब की बात है, दोबारा मोटे हो गए अभी अपन। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कल क्या लेके आया हूँ, देखो मेरे घर में एक नया मेम्बर आया है, बोनसाई, ये पेड़ लेके आया हूँ मैं, है ना, मिनिएचर है, दिख रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मौसम दिखा देता हूँ, रात दोपहर के टाइम के, गाड़ी नहीं पहनी मैंने, पर लगभग 2 बज रहे होंगे शायद, 2 नहीं 3 बज रहे हैं। ये देखो अच्छी खासी धूप आई हुई है बाहर, कपड़े सुखाए हैं, गले कपड़े का स्टैंड भी लेके आया था मेरा वाला है, जो पहले वाला स्टैंड था ना कपड़े सुखाने को, दिखाता हूँ, तो ये रहा, ये टूट गया था, है ना, तो अपन नया लेके आए हैं और वहाँ पर अपने कपड़े सूखे हुए हैं। चलो निकलते हैं, चले हैं, आ जाओ आ जाओ, तो भाई निकलते हैं चलो। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कहाँ, बाहर, मैंने सोचा था वहाँ चलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, कुछ सामान ले, क्या क्या लेके आना है, कॉफ़ी भी खाते हैं खाली, नहीं इसमें भी सॉक्स पड़ी है एक, कितनी तो सारी सॉक्स से बड़ी बड़ी हैं, फिर ढूंढ रहे हैं सॉक्स कहाँ हैं, सॉक्स कहाँ हैं, याद हो गई यार, जैकेट चाहिए ना जिसमें बैठा हूँ। तो भाई कैमरामैन चलो ये लो,
क्या पूरा जूम करके बना रही है। पकड़ो उसको, पर्दा लगाऊं? रहने दो, लगा दो थोड़ा, लगा दो। हाँ तो भाई अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेन चीज़ मतलब अभी मेरे को याद आया, मैं इंडिया था ना तो मेरे पास मेरे एक रेबन, दो रेबन के चश्मे गायब हुए हैं। क्या है कि मतलब शादी थी, फंक्शन था, तो पता नहीं कहाँ चले गए यार, ना गुम हो गए, स्विमिंग पूल में गिर गए, क्योंकि हल्दी स्विमिंग पूल में थी तो वहाँ गिर गए होंगे। और एक सीके का चश्मा था वो गायब हुए, तो टोटल मिला के तीन चश्मे हमने गायब हुए हैं। अभी बस एक भी नहीं है, है ना, पानी है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, देखता हूँ कि कौन सी लेके आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ सुपर ड्राई का लेने के लिए, अभी चलते हैं, पहले देखते हैं कौन सा लें। तो मौसम अच्छा, काफ़ी अच्छा खासा मौसम हो रहा है। एक बार टेम्परेचर दिखा था कैमरा में, ये देखो यहाँ पे 16 डिग्री, बीच मतलब एसी चला रखा है मैंने। और नेक्स्ट वीक बता रहे हैं कि यहाँ पे हीट वेव आने वाली है, मतलब यहाँ की हीट वेव तो मतलब 20 डिग्री भी आ जाती है, और हम 50 डिग्री झेल के आए इंडिया के अंदर, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो अभी अपन आ गए हैं यहाँ पे एमएनएस, और ये पूरा एमएनएस नहीं मतलब एमएनएस है, यहाँ पे मार्केट आए। गाड़ी लॉक कर देता हूँ यार मैं, है ना। काफ़ी अच्छी खासी धूप आई हुई है, सब लोग बाहर निकले हुए हैं, सारे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे दावा बोला हुआ है। मैं दिखाता हूँ रुको आप लोगों को, देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, दिख रही हैं पीछे, पूरा माहौल बना हुआ है तगड़ा वाला, है ना। तो काफ़ी सही माहौल बना हुआ है, सब लोग निकले हुए हैं बाहर। अभी यहाँ से निकलते हैं अपन, कुछ लेते हैं, एक चश्मा लेते हैं और एक कॉफ़ी पीनी, मतलब मेन तो इसलिए आए थे। हाँ तो भाई अपन चश्मा लेके आ चुके हैं, तो अपन लेके आए हैं ये वाला चश्मा सुपर ड्राई का, आप लोगों के सामने है। ये काफ़ी सही लग रहा था मेरे को, मतलब यही सही लग रहा था वहाँ पे, तो मैं ये वाला ले आया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाई चांस कभी कैमरामैन ये वाला चश्मा पहन के दिखे तो ऐसा मत समझ लेना मेरा पहना है। भाई मैंने खूब मना किया था, दूसरा ले लो सुपर ड्राई से, बट नहीं, सेम का सेम ही लेके आए हैं, सेम एकदम डिट्टो कॉपी, यूँ का यूँ उठा के लेके आए। सस्ते थे भाई सही बताऊँ तो, इसलिए दो ले आए, और बाकी इसको पसंद भी था तो इसने, मैंने मेरा तो मैं दूंगा नहीं, सीधी सी बात है, सही बात कह रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा, मेरा वाला अपना पहनूँ, इसको दिखता नहीं है, इसको चश्मा वैसे लगा हुआ तो इंडिया जाएंगे ना तो इसका, इसके जो ग्लासेस वो चेंज करवा के अपन वो वाले लगवा लेंगे, दिखने वाले ना जिसको, ताकि इसको दिख जाए। तो भाई काफ़ी सस्ते थे इसलिए हम लोग ये वाले ले आए। ये कितने थे, 58 पाउंड का एक था ये चश्मा ना, तो इसलिए हम लोग दो ले आए ये वाला, है ना। तो दो चश्मे अपने ये हो गए, और एक मैं ले गया था सीके का, जैसे मेरा गुम हुआ था ना वैसा, तो भाई मेरे को मिला नहीं सीके से, पर हाँ ये वाला सही मिल गया मेरे को, दिखाता हूँ आप लोगों को, पहन के दिखाता हूँ, है ना। पर सही बताऊँ तो बात ना, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को सुपर ड्राई का, नहीं ये देखना कैसा लग रहा है, सही नहीं, पर सुपर ड्राई का ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। एक भाई ये सीके का अपन ये लेके आए हैं, शीशे में देख लेता हूँ थोड़ा बहुत सही लग रहा है, नहीं बाल भी कटवाने हैं मेरे को अभी यार, मेरे ना काफ़ी ज़्यादा बड़े बाल हो गए। तो भाई ये एक सीके से था, मैं और दिखाता हूँ रुको आपको, अभी फ़िलहाल के लिए तो अपन यही पहन के रखेंगे, बाहर अच्छा खासा मौसम हो रखा है ना, तो अपन अभी सुपर ड्राई का ही पहन के जाते हैं। इस टैग निकाल देता हूँ इसका टैग, एक सेकंड, मैटर सोल्व, ये भाई अपना चश्मा तैयार, चले बाहर चलो। तो भाई अभी मैं यहाँ से क्या बोलते हैं जा रहा था कहाँ पे, अपन चश्मा उश्मा लगा लिया अपना बढ़िया, है ना, बिल केस वगैरह सब चीज़ें अपन ने रख दिया। अभी यहाँ से जा रहा हूँ कोस्टा, आ जाओ कोस्टा जाएंगे, यहाँ से एक कप कॉफ़ी लेते हैं, मेनली कॉफ़ी के लिए आया था बाहर ना, धूप भी थी, बढ़िया कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं, चलेंगे कल से अपनी नाइट शिफ्ट दोबारा से स्टार्ट है, 3 नाइट है, फिर उसके बाद 4 दिन की स्ट्रेट छुट्टियाँ हैं, फिर काफ़ी सारी चीज़ें करनी है उन 3 छुट्टियों में, बहुत सारी चीज़ें ड्यू चल रही हैं अभी मेरी, वहाँ चलेंगे। तो ये चलो बंद कर दिया कोस्टा उन्होंने, फिर मैं गया था कोस्टा, वो पीछे कहाँ गया, वहाँ ये कहाँ गया, यहीं पर था, कहाँ गया, ये रहा, हाँ तो यहाँ से भाई वो बोल रहे हैं बंद हो गया अभी, तो नंदू उसके पीछे दूसरा कोस्ट है वहाँ चले जाओ, वहाँ जा रहे हैं भाई। इतना तगड़ा मौसम हो रखा है, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, इतना बढ़िया कि क्या ही बता दूँ मैं आप लोगों को। ये देखो मौसम दिख रहा है, क्या सही मौसम है यार, अगर दो त्रेयर मिलता है अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो दोबारा से ख़राब मौसम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बारिश बारिश खतरनाक ही हो रखा है एकदम। क्या था कोस्टा वहाँ पे, भाई हट जाओ पीछे से, फिर कहोगे फोन फिर आ गए इसमें मैं, तो फिर मैं वहाँ पे गया था, तो इन्होंने बोला है, कैमरा मैन ने बोला कि भाई नहीं, मैं एक बढ़िया अदरक वाली चाय पिलाती हूँ, है ना, एक नंबर की चाय,
घर पहुंचने के बाद, तो फिर मैंने कोस्टा कैंसिल कर दिया प्रेफरेंस चाय के ऊपर, अपनी कॉफ़ी कैंसिल, चाय पीते हैं अच्छी से घर पहुंच के, एक मूवी देखूंगा। आज काफ़ी दिन हो गए है ना, बिज़ी चल रहा हूं अपने काम में, अपने शेड्यूल में, अपनी एक अच्छी सी मूवी देखते हैं और घर पर चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर आ गया हूँ टाको बेल है ना कुछ खाने के लिए, चाय तो अपने घर ही पियेंगे बट देखते हैं खाने के लिए क्या दिया है, मतलब खाने के लिए ले लिया, फिर ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ तो दर तुम्हारे 191 है वो यार शुभांगी। हाँ तो भाई मैं यहाँ पे आ गया था टाको बेल में ना कुछ लेने के लिए, मतलब घर पे पैक करवाने के लिए। ये देखो टाको बेल, टाको बेल, टाको बेल, टाको बेल, अरे मुँह आ गया है वो। अरे मैंने दांत दिखा दिए दोबारा। ये देखो रुक छोड़ दे, ये अपना वो आ गया ड्रिंक, एक एक ही लिया मैंने टाको बेल, तो वो लेके अब यहाँ से जा रहे हैं अपन कहाँ, घर, घर ही बैठे खाएंगे, मतलब टेक अवे ले लिया था मैंने, ईट इन नहीं लिया है ना। सही है ना, प्राइस अच्छे हैं इसके टाको बेल के, मतलब यहाँ से निकल रहे अपन घर, घर जाके इंजॉय करते हैं इसको। सब कुछ आपको पकड़ा दिया क्या मैडम को, सारी चीज़ें पकड़ा दी, लो दरवाज़ा खोल देते हैं आपके लिए। अरे मैंने देखा नहीं था यहाँ पे भी चार्जर्स हैं, पेप्सी मैक्स ही ले लेती अगर, दिखाता हूँ देखो यहाँ पे भी ईवी चार्जिंग है ना, तो अपनी बसंती का भी चार्ज करनी पड़ी तो अपन यहाँ चार्ज कर सकते हैं। तो भाई अभी अपन घर आ लिए, वो लगा दी बसंती अपन ने, गाड़ी अपन लगाई दी थी वहाँ पे, सही इंजॉय करे आए, सही क्या इंजॉय करे आए, चश्मे लेके आए तीन और कुछ खाने के लिए लेके आए, अब जो वादा किया था वो पूरा करो, बढ़िया एक नंबर की चाय बनाओ है ना, और मैं चाय पीता हूँ और ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, आप लोग ब्लॉग इन्जॉय करो। और भाई मैं कोशिश करूँगा कि मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आएँ है ना, कोशिश तो जारी है, मतलब जारी है ना? तो चलो बाय बाय, अगले ब्लॉग मिलते हैं, राम राम। और भाई बहुत बड़ी वो हो गई कि भूल गया मैं ना, भगवान जी रह गए मेरे ना, मैंने लगा ही नहीं है, अभी मैं इनको यहीं लगा देता हूँ, उसके बाद अपन गाड़ी में लगाएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर। चलो।